इस देश की मुश्किल यही है, इंतजार हर मौके पर हर मुद्दे के साथ करना पड़ता है। और यह देश तो दरअसल बीते 70 वर्ष से इंतजार ही कर रहा है। किन बातों का इंतजार कर रहा है? जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन सियासत स्थितियों को बांटती चली जा रही है। वो वक्त और था जब कहते थे, अंग्रेजों का नारा था, बांटो और राज करो। हम लौटते हैं सियासत पर, दिखाते हैं यह नारा आज भी जीवित है कैसे, जरा रिपोर्ट देखिए। यूं तो यह देश के नागरिकों की तादाद है 121 करोड़ 2011 के मुताबिक, पर जरा नागरिकों की इस तादाद को भारत के लोकतंत्र के पर्व चुनाव में झोंक कर देखिए। हंगामा है, शोर है, हर तरफ लोकतंत्र का नारा बुलंद है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इस पर्व को जीना सीख चुका है, तभी तो लोकतांत्रिक कहलाता है। अच्छे दिन, अच्छे दिन। पर चुनावी लोकतंत्र तरह नागरिकों की हालत बतौर वोटर कैसी हो जाती है इसे भी देख लीजिए। दलित 20 करोड़ 40 लाख, मुस्लिम 17 करोड़ 22 लाख, ओबीसी 50 करोड़ 10 लाख, सवर्ण 9 करोड़ और अब चाहे तो ओबीसी और सवर्ण को भी कई हिस्सों में बांट सकते हैं। पर इसे छोड़िए क्योंकि देश के नागरिक वोटरों में तो बैठ ही चुके हैं और उसके बाद खेल शुरू होता है वोट बैंक का। कैसे वोटरों को साथ समेटना है इसका खेल चुनावी प्रचार से शुरू होता है और इस खेल का ही असर कि देश के प्रधानमंत्री तक को बताना पड़ता है कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा सम्मान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को शायद किसी सरकार ने इतना मान सम्मान और श्रद्धांजलि नहीं दी होगी जो इस सरकार ने दी है। पर प्रधानमंत्री सही नहीं कह रहे तो संसद के परिसर में आज समूचा विपक्षी मानव श्रृंखला बनाकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि वह दलितों के शुभचिंतक है, प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार नहीं। हो रहा है प्रदर्शन, अलग अलग दलों के सांसद हैं, ये वो सब सांसद हैं जो अलग अलग मुद्दों को लेकर के सरकार से चाहते थे इस पर चर्चा हो। तो फिर ऐसे में याद कीजिए एक वक्त बीफ से लेकर गौ रक्षा के मुद्दे जब इस देश में उफान पर थे, तब सियासी तौर पर मुस्लिम निशाने पर और तब भी संसद में हंगामा हो रहा था। विपक्ष इस अंदाज में अल्पसंख्यक समुदाय का रहनुमा बन गया कि जैसे वो सब कुछ करते आया है और संसद के भीतर खासा हंगामा भी हुआ। पर सियासी सवाल उछला मुस्लिम तुष्टिकरण का, बीजेपी और सत्ता ने कहा ये मुस्लिम तुष्टिकरण, दलितों की सियासत जागी तो कहा गया सियासत ना करें। पर मामला सिर्फ दलित मुस्लिम तक कहीं नहीं टिकता बल्कि मसला तो देश में सबसे ज्यादा वोटर वाले ओबीसी तबके का भी है और पहली बार बीजेपी अध्यक्ष ने देश को बताया प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी है, खुद पीएम भी बोलने से नहीं छोड़े। ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उनको तो परेशानी हो रही है कि भाजपा वाले, इनको तो हम बनिए ब्राह्मण की पार्टी कहते थे और ये पिछड़ी जाति के लड़के को उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। यानी कैसे किसे बांटकर किस सियासत के साथ खड़ा होना है ये सब कुछ सत्ता पाने का राग सिखला ही देता है। सत्ता पाना ना कहें, लोकतंत्र कह दे और पूरी संसद इसे बाखूबी समझती है और शायद इसीलिए सब एक हैं और अलग अलग मुद्दों के आसरे जब संसद ठप हो जाती है तो खुद को ठप संसद में भी बलिदानी बताने से सांसद नहीं चकता। बीजेपी कह रही है हम 23 दिनों का वेतन नहीं लेंगे, कांग्रेस कह रही है हमारी क्या गलती हम तो लेंगे, दूसरी पार्टियां कह रही हैं ये क्या मतलब हुआ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी सांसदों ने तय किया है, यानी ये 23 दिन का वेतन और भत्ता हम नहीं लेंगे। हम लोग जो तैयार करके रोज अपनी होमवर्क करके काम करने के लिए आते हैं, हम तो तैयार है काम करने के लिए, पार्लियामेंट को एक्सटेंड कीजिए, काम करवा दीजिए, चलाइए डिबेट। ये लोग डिबेट नहीं चाहते हैं, चर्चा नहीं चाहते हैं, दौड़ के जा रहे हैं। यानी देश को बांटकर सियासी चाल चलते हुए सत्ता पाई जा सकती है और जन सरोकार छोड़ सांसद अपने वेतन को मुद्दा बना सकते हैं, पर जरा इनकी सुविधाओं के आश्रय जाति धर्म में बांटे गए देश के नागरिकों या कहें वोटरों का हाल इस देश में सामाजिक आर्थिक तौर पर है क्या,
आइए जरा इसे भी परख लें। और निशाने पर चूंकि मौजूदा वक्त में पहले मुस्लिम आया और अब दलित, तो उन्हें ही परख लेते हैं। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।